प्यारे छात्रों, किताबें हमसे कुछ कहना चाहती है। इसके दूसरे भाग में उसके कुछ छंदों को मैं उसका सारांश एक आसान तरीके से आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपने सुना कि किताबों के अंदर चिड़ियों की चहचहाट है, झरनों की गुनगुनाहट है, परियों की सुंदरता है, मगर एक बात आप समझ लें कि इसमें इन किताबों में साइंस के सभी सिद्धांत संकलित हैं। छात्रों, याद रखो कि साइंस के सभी सिद्धांत इसमें संकलित हैं। किताबों का संसार असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो क्या आप जाना नहीं चाहोगे? क्या संसार के उस गहराई में आप जाना नहीं चाहोगे? हाँ छात्रों, आपको जाना है। साइंस के संकलित के अंदर आपको जाना है, ज्ञान के भंडार को आपको देखना है। कवि यही संकल्पना कर रहे हैं कि समाज जो है, छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, इस बात को समझ लें कि किताबों में संसार है, किताबों में संसार का ज्ञान है। आदमी इससे मानव जीवन में इस ज्ञान के भंडार से वो अपने जीवन को असफलता से सफलता की तरफ ले जाता है। इसमें ज्ञान का भंडार है। और कवि ये भी बताना चाहता है, छात्रों आप जान लें कि किताबें पढ़ना मानो वर्तमान काल के अंदर किताबों को पढ़ना, ये समझ लीजिए कि आप भूतकाल के उस विद्वान से बात कर रहे हैं जो आपको कभी, जिसको कभी आपने देखा नहीं है। किताबों को पढ़ना यानी ये समझ लीजिए कि किसी भी पास्ट के, मतलब भूतकाल के किसी विद्वान शख्स से बातें करने के बराबर हैं। गोया आप उसके सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। किताबें इतना बड़ा ज्ञान रखती हैं। छात्रों, ये बात आपको जान लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो सरल बात, किताबों की जो किलकिलाहट थी, किताबों की जो पुकार थी, किताबें जो हमसे कहना चाहती थी कि मुझे अपने पास ही रहने दो, मुझे अपने पास ही रहने दो, तो यहाँ पर आकर इस बात को आपने शायद समझ लिया होगा। और घर जाकर आप फिर इस बार एक किसी विद्वान, एक किताब खोलकर भूतकाल के किसी विद्वान से ज़रूर बात करेंगे।